तो मतलब मैंने बोला कि यहाँ घूम जाओ दिल्ली में आके, वो यूपी में रहती है ना, तो बोल रही जीजा जब तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तभी आऊंगी। सुंदर विराट काला हो गया, सुन तुमने बोला था यहाँ पे धूप में लेटा रहता है। सुंदर तो है, सुंदर तो है। ले एक चीज लाए तुम्हारे लिए, मेरे लिए निकालो। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 22 दिसंबर 2023 से। और मेरे मामा, मेरी सास, मामी सब लोग चले गए अपने घर कर ली। और वैसे वो रहते थे तो हलचल हलचल रहते थे, अच्छा लगता था। 4-5 दिन से थे पर चले गए। कोई ना, सबको एक ना एक दिन जाना है। मैं भी कहीं किसी के घर जाता हूँ ना, वहाँ से आता हूँ तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे घर से भी कोई आता है फिर जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। खाली माहौल है। और वॉशिंग मशीन ना वैसे इस कमरे में रखी रहती थी, आज यहाँ लगा ली। हाँ, आज अपने बाबू को भी नहला दिया है, स्मार्ट बन गया है बाबू। और देखो पालने में कौन है। हाय, अब से मोहिनी रही है इसमें, ठीक है? हैं? मोनी ना इधर स्काट ही जाए। और दीदी भी आ गई अपनी स्कूल से। शिवम को रख ले ना। कल की बात याद है? अब तो शर्म आ रही है। मम्मी कल हमने इससे बोली ना कि फोटो खींच दे हमारी हमारी फोन में। बोल रही हाँ मेरे को फोन नहीं दिखाते ये वो, पता ना काका बोल रही। अब फोन क्यों मांग रही है? हाँ हमने बार बार बोली, हमने बोली फोटो खींच दे, प्लीज प्लीज नहीं चलेगो। भाई मैंने कल इससे बोला था कि ना मेरी फोटो खींच दे, ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे मामा के साथ, माई के साथ और सास के साथ। तो मैंने इससे इतनी रिक्वेस्ट करी कि फोटो खींच दे, तब तो भाई इतना घमंड। हाँ मैं क्यों खींचू, मेरे को फोन दिखाया जाता है। प्लीज प्लीज, अगर तू कल फोटो खींच देती ना तो हम दिखा देते। तो हैं मोहिनी इधर रहे है, मोहिनी से ही रहे, ठीक है? विराट लेटा है इसमें, दोनों लेटेंगे साथ में। लेटा दो, लेटा दो तुम्हारा, ठीक है? चलो बेटा बाहर आओ, ये आपकी जगह नहीं है। और 1 जनवरी को है इनकी सिस्टर का बर्थडे, जन्मदिन। अरे किसी को नहीं है, है? हमने पता कोमल से हमने बोली, वो इस कोमल की बात नहीं हो रही, इनकी बहन जो कोमल, उनकी कोमल से बोली हमने घूम जाओ। जा बोल रही जीजा जब 1 मिलियन हुई है ना तुम्हारे तभी हैं, चाहे कुछ भी हुई है। जो है ना अपनी साली को जो कोमल है, साली, साली बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कोमल। तो मतलब मैंने बोला कि यहाँ घूम जाओ दिल्ली में आके, वो यूपी में रहती है ना, तो बोल रही जीजा जब तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तभी आऊँगी। मैंने बोला फिर तो करने पड़ेंगे, अब तो लग रहा है। फिर मैंने बोला कि वो तो कभी नहीं होंगे, बोल रही नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ऐसा वैसा, देखते हैं भाई कब होंगे। क्या लगा तुम्हें 1 मिलियन पता कितने होते हैं? 1 करोड़। 10 लाख। 10 लाख। अबे हमारे हैं, अबे हैं 2,850, 2,800 है भाई। 10 लाख कब हुए हैं? 10 लाख 1 करोड़ भी तक आ जाएंगे। 10 लाख 1 मिलियन, 100 लाख। हाँ 100 लाख 1 करोड़। पढ़ानु का फायदा है मम्मी? बताओ नौमी फेल। और मम्मी कुछ भी नहीं पढ़ी, मम्मी को पता है 100 लाख 1 करोड़। हमें पता है, लेकिन जैसे 100 करोड़ कह रहे, 100 लाख हो जाए तो 1 करोड़ है, ठीक है? और जैसे इतने 100,000 हो जाए तो 1 लाख है ना। तो मम्मी तो से पहले तो मम्मी बता रही देंगी, लेकिन ए, काजल, कोमल, ने फटाफट कोमल हुई उदास फोन ना दिखाने के चक्कर में। भाई मन कल मेरे को ना बहुत बुरा लगा था भाई, दिल से मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा, सारे लोग फैमिली साथ में आ जाते और कोमल बैठी थी। मैं बोल रहा कोमल से बहन दीदी एक फोटो खींच दे, फोटो खींच दे, इतना एटीट्यूड भाई, इतना एटीट्यूड। मामा के लड़का मामी सब देख रहे और ये एटीट्यूड से मैं नहीं खींच रही, मैं नहीं खींच रही। हाँ तो भाई दिल टूट गया था मेरा एकदम भाई, वरना मैं इसको दिखा देता फोन है। जोरो इधर
और मम्मी बना रही है अपना माल, ये वाली सुपर। जब मैं माल के बारे में बताता हूँ ना, इधर हंसने लग जाती है। ये वाली चप्पल है, जैसे पहनते नहीं फैंसी बंदे, मेरे साइज की नहीं है पर वही है। इसके नीचे का ना बाहर कहीं लगता है, मम्मी धागे काटती हैं और ये पाइप फंसाती हैं और यहाँ कील लगती है। देखो ऐसे, देखिए मम्मी कैसे। और ये ऐसे तैयार होता है। अगर तेरी जगह ना काजल फोन मांगती ना एक महीना के लिए, तो काजल को दिखा देते फोन। पासवर्ड तो बता रहे, एक महीना के लिए। काजल तो दूर ना है, काजल मांग लो आज। हाँ आज चाहिए मैं फोन। जी कोई बात थोड़ी ना भाई, काम बता। अच्छा 30 तारीख को चाहिए। हाँ ठीक। और आने वाले संडे को मैं काजल को सरोजिनी नगर ले जाऊंगा। ना सच में सरोजिनी नगर ना गिल्ली में मार्केट है, वहाँ पे ना सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं ऐसा सुना जाता है। अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं ऐसा सुना जाता है, मेरे को नहीं पता। तो संडे को जाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे तो उनको पता लग जाएगा। देखेंगे संडे को हैं, अगर ना आ गए तो। अरे भाई देख सुन, तेरे लिए जान आ जी रहे जान। अच्छा मैं बेटे में से पैसा निकलवाने के लिए, मेरे बेटे में पैसा लाएंगे तो यार मतलब प्यार को मतलब तेरे हिसाब से प्यार को मतलब ये है कि पैसा खर्च करो है ना, हम कभी 50-20-10 जो मांगे थे वापस मिल। भाई ये कहीं पे भी कुछ भी खरीद लेगी और मेरे को फट से फोन मार देगी, भाई 50 रुपए पेटीएम करना, ये करना वो करना, यहाँ पेटीएम में खत्म हो जाते हैं पैसे, फिर कहाँ किससे मांगो। आई हेट यू कोमल श्रीवास्तव। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। कोमल से लड़ाई करना पड़ेगा और उसमें थंबनेल में लिखूंगा कोमल से हुई भयंकर लड़ाई, तब व्यूज है ना। मैं भाई कोमल से लड़ाई करता हूँ, कुछ भी लड़ाई वड़ाई होती है ना तब व्यूज आते हैं भाई खतरनाक। कोमल से लड़ाई में फायदा है, पर भाई देखो कोमल से लड़ाई करने का ना सीधा सा एक उसूल है। हाँ नहीं, कोमल से लड़ाई करने का ना एक घाटा है कि भाई वो बहुत बुरी बेइज्जती करती है भाई। मतलब मेरी जगह कोई और बंदा उससे लड़ाई करेगा वो बाल पकड़ती है, बेइज्जती करती है, कुत्ते आरामी पता नहीं भाई बहुत सारी गालियां देती है। तो भाई मैं मतलब इतना टॉर्चर नहीं करवा सकता अपना। कर लेगा लड़ाई, ए लड़ाई कर, चल लड़ाई कर, लड़ाई व्यूज कम हो गएंगे। क्यों मैं ऐसे गुस्सा वाली शक्ल दिखा दे, ओवर एक्टिंग कर दे, चल ओवर एक्टिंग लड़ाई की, व्यूज आ जाए। हाँ क्या है बोल। कोमल से हुई लड़ाई, कोमल को पटका, कोमल का फट गया सर। मम्मी गुस्सा दिला दूं कोमल को। कोमल करना ये तो भाई यार ओवर एक्टिंग ही नहीं होती अपने से यार। अरे बात छोड़ो, हर बार कोमल से लड़ाई करता हूँ, आज अपनी वाइफ से लड़ाई करूंगा, व्यूज आएंगे हैं। हाँ चलो अपने घर जाओ, चलो कल भेज देते हैं। अच्छा लग रहा वैसे, मम्मी याद आ रही तुम्हें हैं। ओ बहन अपने हाथ से एक कोर खिला दे। काजल तू सरोजनी चलेगी और देख तेरे लिए बढ़िया बढ़िया चीज ले जाए, इसके कुछ ना ले कुछ भी। हाँ? तुम विराट के पीछे पागल हो ना, और मम्मी इनसे पूछो ये ना ही पागल। तुम मोहिनी मेरी जान है, मोहिनी की निलाया तुम्हें आज गंदी हुई कल ने लियो ना। कोमल ना भाई देखो ज्ञान देने में ना बहुत तेज है, कभी बार लगता है कोमल को ना कोर्ट में वकील बनाना चाहिए, लॉयर। कल स्मार्ट लग रही तू, खाना खाना ब्लॉग बनाता हूँ। कोमल खाना ही नहीं खाती पता नहीं क्यों, क्यों कोमल ऐसा क्यों है। चल तो ले चले कल संडे को, आपको भी ले जाएंगे सरोजनी मार्केट। अब बैठो बेटा, चलो यार बहुत टाइम पास हो गया यार, जा रहा हूँ यार।
और क्या दिखाने को है, क्या दिखाऊं यार व्लॉग में। कोमल से लड़ाई करनी पड़ेगी भाई, देखो तभी लोग देखते हैं, तभी लोगों का इंटरेस्ट आता है, और तो किसी में इंटरेस्ट नहीं आता यार। और भाई आज मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया। मम्मी रिचार्ज खत्म हुई हो, नए साल करवाए ना मेरी रिचार्ज। हाँ अभी भाई नए साल में पूरे 9 दिन बचे हैं। चलो भैया, चलो भाई काम पे आ गए, अब सीधा जाऊंगा रात को 9:30 बजे घर। हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। आज ये गाना पता नहीं मेरे लफ्ज़ों पे क्यों आ रहा है, और काम करते करते भूख लग गया, और अब जा रहा हूँ 7:30 बजे कुछ खा पी के आऊँगा, बाहर चौमिन खा लूँगा। वैसे ना बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम खाता हूँ, पर क्या करें यार भूख लग जाती है भाई कमबख्त। चौमिन खा लूँगा 10 के, ज़्यादा नहीं खाता, कभी कभार खा लेता हूँ। अपने भाई के पास चौमिन खाने आया हूँ, और देखो भाई ने इतनी चौमिन बना रखी है, मेरे लिए स्पेशल भाई बना रहे हैं 10 की, क्योंकि भाई मैं अनोखा हूँ ना, बिना मिर्च की चौमिन खाता हूँ इसीलिए। और भाई अभी मन नहीं भरा, आमलेट भी खाऊंगा यार। चलो जी 9:11 पर छुट्टी करके आ गया, और थक जाते हैं यार, काफ़ी बैठे का काम है ना यार थोड़ा। और एक CNC बिस्कुट लाया हूँ, ऐसे ही मन कर रहा था लिया यार। और क्यों लाया हूँ मैं बता देता हूँ, मेरी वाइफ को पसंद है ये बिस्कुट, मंगाया नहीं मेरी वाइफ ने, पर मैं ऐसे ही लिया आया यार। छोटी छोटी चीज़ों से ही तो खुशी मिले, क्या पता मेरी वाइफ खुश हो जाए। लो वाइफ का नाम लिया, और वाइफ हाजिर, इंतजार कर रही थे हैं। लो एक चीज़ लाया तुम्हारे लिए, मेरे लिए निकालो। ओह थैंक यू, मैं याद कर लिया, तुम्हें पसंद है ना इसलिए लाया है। अच्छी बात, छोटी छोटी चीजें से खुशी मिलते ना। चाय बनाई है, चाय बनाई है। बाबू कहाँ है? तो है बाबू क्या, हमारा बाबू तो मैं याद ना ऐसा करते। सच में सच में, तुम्हारी कसम कि क्या बात है मेरी थी, ये बात है मेरी थी कि एक दिन छुपाई रे, देखो तुम्हें याद आ तो मैं तो मम्मी कह रहे थे कुछ है ना तो पूरे दिन छुपाई थे। हाँ मैं पूछेंगे ना, ही कुछ है हम तो यही बोल लेते, ऐसी बात नहीं है। तो मम्मी कह रही थी, देखो भाई मैं ना बाबू को ज्यादा खिलाता नहीं हूँ, तो मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरे को बाबू से प्यार नहीं है, ये वो है भाई। देखो नहीं किसी को भी लगता हो, मैं देखो खिलाता कम हूँ बेशक, पर प्यार तो है यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बाबू है अपना यार। नवाए दो, जूते धुल गए हमारे। देखो ये जूते की कहानी बताता हूँ मैं कैसी थी। शादी से 10 दिन पहले मैं जूते लेने जा रहा था, ठीक है, और मेरी बस थी रात के 8 बजे की, और मैं जूते लेने गया 7 बजे, और भाई जूते पसंद करते मेरे को ये जूते पसंद आए, और कोई जूते पसंद नहीं आ रहे, और ये जूता सिर्फ 9 नंबर था, और मेरा पैर है 7 नंबर, पहले 7 ही था, ठीक है अब तो 8 है, 7 नंबर पैर था मेरा, और भाई ये जूता पसंद आया मेरे को, 8 बजे बस है, तो मैंने हपड़ तपड़ में भाई ये 9 नंबर का ले लिया। इतना भारी जूता था, अगर चलते पे ना ऐसे पैर उछाल दूँ ना अपना तो ये निकल के गिर जाएगा, ऐसा जूता था, फिर भी मैंने ले लिया शादी में, शादी के लिए, और भाई यही ले गया, अब पहनता नहीं हूँ इसको, 9 नंबर है ना बड़ा, पर धीरे धीरे काम चलाऊ पहन लूँगा अब इसको, अब थोड़ा पैर हल्का सा फैल गया है मेरा। ऐसे ऐसे पागलपन होते रहते मेरे साथ। चलो भाई अब मैं यहाँ पर लेटूँगा और अपना ब्लॉग एडिट करूँगा, कल सुबह डालना है ना, और ब्लॉग आजकल मैं टाइम से नहीं डाल रहा, कभी भी डाल देता हूँ। मम्मी आ गई अपने पौधे को लेके, देखो मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, उंगली उठाओ ऐसे करके, उंगली उंगली उठाओ। काला लग रहा पर तुमसे सुंदर, विराट काला हो गया, शुरू शुरू में गोरा था, यहाँ पे धूप में लेटा रहता है। सुंदर तो है, सुंदर तो है, सुंदर तो है, मेरा विराट सुंदर है, कहाँ सुंदर है, वैसे मम्मी नाम बड़ी चंदली है, ये चंदली मेरे बहुत मना करने के बाद भी ये देखो चाय लेके आ गई, अगर चाय पी लो तो फिर ये बोलेंगे खाना खाओ, चाय पीने के बाद भूख नहीं लगेगी, थोड़ी देर बाद खा लियो ना खाना। तो बिस्कुट तुम्हारे तुम्हारे लाएंगे, तुम खाओ ना बिस्कुट, बिस्कुट हम ना खाएं, खा लो थोड़ा, ये सब तुम्हारे लिए है, चाय लो।
है ना अच्छे हस्बैंड बहुत परफेक्ट है हाँ, अब तो ना बोलियो कि प्यार ना करो जी बोली कब है देखा लाखों में एक ऐसी नहीं हूँ मैं लाखों में एक हस्बैंड अच्छा दुनिया को नंबर वन हस्बैंड का अवार्ड मिल जाए हमें बिल्कुल है सच में सच हमारे ब्लॉग ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए बोल रही है सच में सच में यस एक वाइफ ने बोल दिया ये बात छोटी मोटी बात है क्या ये दुनिया का बेस्ट हस्बैंड सही बैठो बाबू लिटो पता नहीं भाई क्या काटने में लगी हुई है कटर पटर कटर पटर बार बार भगा रहा हूँ बार बार इधर आ रही है चल इधर भग भग इधर चल चल भग चल भग इधर से चल भग चल भग बाबू को रुला दिया पागल मोहिनी मेरी संस्कारी वाइफ मुझे थाना खिलाते हुए आज मोहिनी ने पता नहीं क्यों बार बार बेड पे आ रही है बोल मेरी वाइफ बता रही है भूखी है इसके लिए कुछ आया नहीं आज बेचारी को बार बार नीचे छोड़ रहा हूँ ना ऊपर आ जा रही है चलो भाई सोने जा रहा हूँ और खाना वाना सब कुछ खा लिया है और ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं और सॉरी भाई इस व्लॉग में कुछ खास नहीं था और बस ये व्लॉग यहीं रखते हैं और देखो मोहिनी आज मेरे साथ बेड पे है ये बहुत देर से यहीं बैठी है बेचारी को देखो ऐसे 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 करते रहो इसको ये बैठी रहेगी लगभग आधे घंटे से मेरे पास बैठी है मैं फ़ोन चला रहा हूँ और बस मोहिनी आज ना बार बार बेड पे आ रही है बेचारी भूखी रह गई यार घास इसके लिए आ नहीं पाती ना पार्क में घास कट गई देखो ऐसे करते रहो ये लेगी नहीं यहाँ से और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं मिलते हैं सीधा आपसे अगले व्लॉग में देखो अम्मी ये हमें जाके चिंता थी पता ना कहाँ ठंड हो इधर बैठी बहुत देर से भूखी है